हमारे देश में युद्ध के दौरान वीरता, साहस व बलिदान के लिए वीर सैनिकों को सम्मानित किए जाने वाला सर्वोच्च पदक है परमवीर चक्र। क्या आप जानते हैं कि वीरों को अलंकृत किए जाने वाले परमवीर चक्र का डिजाइन एक विदेशी महिला ने किया था, जिन्होंने पूर्णतया भारतीयता को अपनाकर अपना जीवन भारत की संस्कृति एवं संस्कारों को समर्पित कर दिया था। इस महान महिला का नाम था सावित्री बाई खानोलकर। इनका जन्म 20 जुलाई 1913 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी माता रूस की और पिता हंगरी के रहने वाले थे। इनका नाम रखा गया था ईवा योनने लिंडा। बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने की शौकीन ईवा को किताबों के जरिए ही भारत और भारत के संस्कारों से लगाव हो गया था, जिनका प्रभाव उनके जीवन में साफ दिखाई देता है। सन 1932 में उनका प्रेम विवाह हुआ भारतीय सेना के अफसर कैप्टन विक्रम रामजी खानोलकर के साथ। यह उनका भारतीयता के प्रति लगाव का साक्ष्य था। शादी के उपरांत ईवा ने अपना नाम बदलकर सावित्री बाई खानोलकर रख लिया और भाषा व पहनावा भी भारतीय ही अपना लिया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषदों का पठन किया। प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी से भारतीय शैली के नृत्य को सीखा। सावित्री बाई एक कुशल चित्रकार और लेखक भी थी। उन्होंने सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र एवं संस्कृत डिक्शनरी ऑफ नेम्स नामक पुस्तकों का लेखन किया। देश की आजादी के तुरंत बाद कश्मीर में भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। वीरों को सम्मानित करने वाले मेजर जनरल हीरालाल अटल ने कुछ पदकों का भारत सरकार को सुझाव दिया, जिनमें परमवीर चक्र इनमें से सर्वोच्च है। परमवीर चक्र को डिजाइन करने का सावित्री बाई ने बीड़ा उठाया। भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित उन्होंने इंद्र के वज्र को प्रमुख चिन्ह बनाया, जो कि पदक के चारों ओर चिन्हित है। पदक का बीच वाला भाग ऐसा उभरा हुआ है जिस पर राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। दूसरी ओर भारतीय मान्यताओं के अनुसार सबसे पवित्र माना जाने वाला कमल का फूल है। पदक पर हिंदी व अंग्रेजी भाषा में परमवीर चक्र लिखा हुआ है। यह विधि का विधान ही कह सकते हैं कि प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद सोमनाथ सावित्री बाई के दामाद के भाई थे। सावित्री बाई खानोलकर ने सन 1990 में आखिरी श्वास तक अपना जीवन रामकृष्ण मिशन के संग अध्यात्म और मानव कल्याण को समर्पित कर दिया। परमवीर चक्र को डिजाइन करने वाली महान महिला सावित्री बाई खानोलकर को उनकी जयंती पर समस्त IMC परिवार नमन करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड IMC। कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।